तेजस्वी यादव ने नहीं कहा कि बीमा भारती नहीं तो एनडीए को वोट दे दे रहा, जानिए क्या साफ बात कही। आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पूर्णिया लोकसभा सीट पर चुनावी रैली का एक भाषण चर्चा में है। दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी ने लोगों से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती को नहीं तो पूर्णिया में एनडीए को वोट देने की अपील कर दी। हालांकि तेजस्वी ने ऐसा नहीं कहा। तेजस्वी ने अपने भाषण में बोला कि जो लोग बीमा भारती को नहीं चुनेंगे इसका मतलब वो एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। तेजस्वी ने पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव का बिना नाम लिए बीमा भारती के पक्ष में वोट की अपील करते हुए ये बातें कही। अब उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पूर्णिया के कोड़ा प्रखंड के मिलन चौक पर सोमवार को तेजस्वी यादव ने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान वे पप्पू यादव पर हमलावर रहे। उन्होंने लोगों से कहा, यहाँ सिर्फ एनडीए या इंडिया गठबंधन के बीच ही लड़ाई है। अगर आप इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार बीमा भारती को नहीं चुन रहे हैं तो फिर एनडीए को चुन रहे हैं। साफ बात है, तेजस्वी यादव ने लोगों से एकजुट रहने की अपील की और कहा कि किसी के धोखे में नहीं आना है। उन्होंने पप्पू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि यह किसी एक व्यक्ति का चुनाव नहीं, ये दो धारा एनडीए और इंडिया गठबंधन की लड़ाई है। तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में दिए गए इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी ने एनडीए प्रत्याशी को वोट करने की अपील कर दी। दरअसल तेजस्वी ने सोमवार को पूर्णिया की रैली में जो बात कही वो पिछले दिनों आए उनके बयान का महज विस्तार है। उन्होंने एनडीए को वोट देने की अपील नहीं की। पूर्णिया और आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के नामांकन के दौरान तेजस्वी ने कहा था, जो लोग हमारे महागठबंधन के साथ नहीं है वे बीजेपी के साथ है। एक रैली में उन्होंने पप्पू यादव को बीजेपी का एजेंट भी बताया था। बता दें कि पूर्णिया में पप्पू यादव के चुनावी मैदान में उतरने के बाद से मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है। पप्पू यादव ने चुनाव से पहले अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था। उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस उन्हें पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगी, मगर आरजेडी ने यह सीट अपने खाते में ले ली और जेडीयू की बागी विधायक बीमा भारती को टिकट दे दिया। इसके बाद पप्पू यादव बगावत पर उतर आए और पूर्णिया से निर्दलीय ही मैदान में उतर गए। बीमा भारती और पप्पू यादव के अलावा जेडीयू से संतोष कुशवाहा पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी को पूर्णिया में पप्पू यादव के उम्मीदवारों से आरजेडी के सामने चिंता का विषय बना हुआ है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव समेत कई विधायक एवं एमएलसी पूर्णिया में जमकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है।